ओके भाई लोग, तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर आया है, तो उस पर रिएक्शन करते हैं। भाई ये चिंता वाली बात है कि फरवरी में मूवी आ रही है अगले साल, और अभी क्यों डाल रहे हैं लोग। खैर कुछ होगा इनके पास दिखाने के लिए टीज़र, तो देखते हैं। 3 2 1 चल। Wilson. Thanks for coming in. Well, thank you for the invite, sir. I have to admit, I'm still getting used to the new look. They said to lose the mustache or lose the election. You and I haven't always agreed in the past, but I want to make another run at making Captain America an official military position. And if we disagree on how to manage this situation, then what happens? Work with me, Sam. We'll show the world a better way forward. Sir, your inner circle has been compromised. Either you can't see that, or you don't want to. What if it's a trap? Global power is shifting. You're just a pawn. You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. You're right. I'm not. वो अच्छा था, वो ऑब्वियस सी बात है, उसे इतनी जल्दी तो दिखाएंगे नहीं वो, और काफ़ी विंटर सोल्जर वाले टेक पे जा रहे हैं, वैसे प्रॉमिस भी किया था उन्होंने। एंड अपने नहीं, बाकी जैसे बिल्डिंग में से ऐसे कूदता है, ऐसे विंटर सोल्जर में भी कूदा था, सिविल वॉर में भी कूदा था, वाला ओवल ऑफिस से वो बंदा एक निकल रहा होता है अफ्रीकन अमेरिकन, सो वो जा रहे हैं उस रूट पे। और काफ़ी रीशूट्स हुई हैं इस मूवी की, काफ़ी बार लिखा गया है, होप करते हैं फरवरी में अच्छे से आ जाए। फरवरी यार बहुत टाइम है अभी, अभी तो 6 महीने ये बचे हैं, फिर 2 महीने वो बहुत है। खैर ट्रेलर आने में एटलीस्ट 3 महीने पहले डालते हैं, तो दिसंबर में आएगा या फिर D23 में पटके जो भी हो। टाइम बहुत है। अगर हाँ, मुझे इसकी सीरियसनेस की वजह से मुझे इसका ट्रेलर पसंद आया, टीज़र पसंद आया। एंड स्टीव रॉजर्स अपने सैम विल्सन समझ रहे हैं कि वो स्टीव रॉजर्स नहीं है, और वो उस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, वो सैम विल्सन है। तो खैर वो गुड मोरल्स लेके चल रहे हैं, जैसे कि स्टीव ने देखा था उसके अंदर। बाकी हम कोई और भी टीम देख सकते हैं, ये रॉस हमें आगे चल के थंडरबोल्ट्स में भी देखने को मिलेंगे। अच्छा खैर इसके ऊपर थोड़ा सा और विचार विमर्श करते हैं। तुमने कौन सी डिटेल्स देखी वो कमेंट जरूर बताना। मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, ओवरऑल अच्छा लगा। एंड रेड हल्क को थोड़ा सा ही दिखाया है, लेकिन हाँ एटलीस्ट आ रहा है वापस, तो अच्छी बात। एंड साथ ही साथ अपने सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका को काफ़ी टेक भी मिला हुआ है, टेक वो उड़ सकते हैं, और मतलब वो एक शील्ड फेंका हुआ था, मतलब शील्ड से ही वो पूरा उड़ रहा था। मुझे कई फ्रेम्स बैक करके देखने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या था, कि व्हाइट हाउस क्या शील्ड से टूटा? शील्ड से तो नहीं टूटेगा, मे बी शायद कोई और टेक के हिसाब से। एंड सैम विल्सन को अपने टेक की काफ़ी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो सुपर ह्यूमन नहीं है, लेकिन एज अ लीडर के तौर पर, जैसे एवेंजर्स को लीड करने वाले, वो खुद को स्टैब्लिश कर रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो सीरियसनेस नज़र आ रही है, और मुझे अच्छा भी लग रहा है। खैर बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड मिलते हैं मेन वीडियो में।